हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक छोटा सा वीबीए कोड देखेंगे जो कि एप्लीकेशन से क्विट होने के लिए यूज होता है। तो चलिए ये देखते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं, ये डिजाइन व्यू पे मैंने ले लिया है और यहां पर मैं लिखूंगा नेम, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट। ये हमने कर दिया इस तरीके से और अब यहां पर आकर के स्टूडेंट का नाम आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया मैंने, और फिर यहां पर स्टूडेंट की सिटी आएगी, ठीक है, स्टूडेंट की सिटी आ जाएगी यहां पे, और फिर यहां कंट्री का नेम आएगा, तो यहां कंट्री नेम कंट्री कर देता हूं सिर्फ, और यहां पे आएगा पिन, तो यहां पे पिन कोड कर सकते हैं आप, ठीक है, तो ये पिन कोड दे दिया। अब यहां पर क्लिक करिए व्यू पर और यहां से यस कर दीजिए, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर फॉर्म बना लेते हैं, क्रिएट पर चलते हैं, यहां से फॉर्म बनाते हैं, ये फॉर्म डिजाइन करके बनाएंगे हम। तो ये फॉर्म पे क्लिक किया है मैंने। अब यहां पर आपको एड एग्जिस्टिंग लिस्ट मिल जाएगी और सारी चीजों की लिस्ट मिलेगी, जो जो फील्ड्स आपने लिए थे। तो यहां पे रोल नंबर है, ले लिया हमने, फिर यहां पे है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये ले लिया, फिर सिटी का नेम है तो सिटी का नेम ले लिया, कंट्री ले लिया और पिन कोड ले लिया, इतना हमने ले लिया। अब क्या करना है, इसको हम बना देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड इसका चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड का कलर यहां से बदलते हैं, ये हमने बदल दिया बैकग्राउंड का कलर, ये रख लिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं यहां से, ओके, तो ये बोल्ड भी कर लिया हमने। अब क्या करना है हमें, अब यहां से हम क्या करते हैं कि एक बटन बनाएंगे, ठीक है, तो बटन बनाने के लिए हम जाएंगे डिजाइन पर और यहां से हम बटन बना सकते हैं। यहां पे क्लिक किया और ऐसे जब हम ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। तो अभी हमें यहां से कोई भी बटन बनाना नहीं है, हम वीबीए कोड लिखेंगे, तो ये हटा दिया हमने और यहां पे मैंने लिख दिया क्विट। क्विट का मतलब समझते ही हैं आप, क्विट का मतलब पूरी तरह से बाहर आ जाना, ठीक है, और इसी के लिए हम डिजाइन करने वाले हैं एक वीबीए कोड, ठीक है, तो वो वीबीए कोड कैसा होगा ये चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा यहां छोटा भी कर लेता हूं और यहां से इस तरीके से, और यहां से, तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहां पर क्या करना है हमें, राइट क्लिक करना है, ठीक है, किस तरह से राइट क्लिक करना है, यहां देखिए ये जो ऑन क्लिक दिया हुआ है ना, यहीं पे आना है हमें, ये जो ऑन क्लिक है और यहाँ पे थ्री डॉट्स आपको दिख रही होंगी, यहां पर क्लिक कर दीजिए और फिर आ जाइए आप कोड बिल्डर पर। यहां पर जैसे ही कोड बिल्डर पे आएंगे तो ये इस तरीके का विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ये खुल जाएगा, एप्लीकेशन, ठीक है, क्या लिखना है, एप्लीकेशन, तो ये लिखा मैंने एप्लीकेशन डॉट और फिर लिखना है क्विट, तो ये क्विट अपने आप आ जाएगा और इसको सेव कर दीजिए, यहां से जाके इसको सेव कर दीजिए, सेव कर दिया। अब देखिए यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये तो इस तरीके से आ गया है और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और हम चाहते हैं इस तरीके से, तो अभी इसको सेव कर देता हूं, सेव कर दिया। अब देखिए यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, यहां पर जो भी हम टाइप करेंगे वो हम टाइप करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए राम लिख दिया यहां पर, ठीक है, और यहां पे सिटी लिख दिया मैंने देवरिया, ये इस तरीके से, ओके, और फिर नीचे आएंगे कंट्री इंडिया लिख देंगे, आई एन डी आई ए इंडिया लिख दिया, और फिर यहां पे पिन कोड जो भी हो वो डाल दीजिए। अब फिर जैसे ही स्क्विट पे क्लिक करेंगे आप तो एप्लीकेशन से सीधा बाहर आ जाएंगे, देख रहे हैं आप, सीधा बाहर। तो ये इस तरह का वीबीए कोड आसानी के साथ आप लिख सकते हैं और एप्लीकेशन से क्विट हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीबीए कोड समझ में जरूर आया होगा, मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूं, ये देखिए यही हमारा एप्लीकेशन था ना, और यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो हम सीधे बाहर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा रिकॉर्ड हमने एंटर नहीं करा, तो यहां पर दूसरा रिकॉर्ड भी एंटर करते हैं, यहां पर लिखते हैं श्याम, ओके, और यहां पर लिखेंगे सिटी का नाम, तो ये कर दिया मैंने देवरिया, और यहां पर कर दिया कंट्री इंडिया, और फिर यहां पर पिन कोड जो भी हो वो डाल दीजिएगा, ठीक है, और यहां से जैसे ही क्विट करेंगे सीधा एप्लीकेशन से बाहर। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।